तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहाँ पे तीन मैच की ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज ने दो मैच जीत कर आई, वहीं इंग्लैंड ने एक मैच जीत के आए। अगर तीसरे ओडीआई में बात करते हैं वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया और अपना कैरेबियन पावर भी दिखा दिया। इसके बाद 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है 5 मैच की T20 सीरीज। तो आज पहला मुकाबला की बात करते हैं तो 13 दिसंबर को होगा, जो कि खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल ब्रिजटाउन में। अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ का पिच स्विंग्स बॉलर को फेवर करता है, सिम्स बॉलर को बाउंस मिलेगी, रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकता है। अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच 24 खेले गए हैं, जहाँ पे इंग्लैंड 10 मैच जीत के आ रही है तो वेस्ट इंडीज 14 मैच जीत के आ रही है। अब अगर पढ़ते चल रहे हैं इंग्लैंड टीम का शॉट एनालिसिस करते हैं। तो टीम की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग देख रही है, जहाँ पे जॉस वाटर टीम के कैप्टन है। ओपनर की बात करें तो फिलिप सॉल्ट है, विल जैक टीम को अच्छे स्टार्ट दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में जैक क्रॉली है, बेन टकर दोनों पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर लोअर ऑर्डर में बात करें तो जहाँ पे हैरी ब्रुक टीम के प्लस पॉइंट है, ऑलराउंडर सैम करन और लायम लिविंगस्टोन टीम की स्ट्रेंथ है। मोइन अली टीम में वापसी हुई एक्सपीरियंस प्लेयर किक वॉक्स भी कम बैक करेंगे। बॉलिंग में बात करें तो जहाँ पर गस अटिंगसन इस सीरीज में अच्छा कर सकते हैं, टैमिन मिल्स को लंबे समय बाद इंग्लैंड की टीम में चांस मिला है। जॉस टोंगा देसी टोपली इंग्लैंड के बॉलिंग के एक्स फैक्टर हो सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जहाँ पर रहमान अहमद है, सैम करन T20 के बेस्ट ऑलराउंडर है। अगर आप बात करते चलते की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पर जॉस बटलर है, सैम करन है, हैरी ब्रूक है। अब अगर पढ़ते हैं चलते दूसरी टीम को वेस्ट इंडीज का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं। तो वेस्ट इंडीज टीम ने ओडीआई सीरीज में अच्छा खेला और सीरीज जीता भी, उनके नाम T20 की चुनौती है। अगले साल वेस्ट इंडीज में ही T20 वर्ल्ड कप होगा। इस सीरीज में टीम के कप्तान जो रॉयन पॉवेल होंगे। ओडीआई सीरीज के वेस्ट इंडीज अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लाई है और सभी एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम में है। टीम के लिए ओपनिंग करेंगे ब्रैंडन किंग एंड काइल मायर्स करेंगे। नंबर 3 पे बात करें तो जो वाइस कैप्टन साय होप है। मिडिल ऑर्डर में हेटमायर टीम को रन चाहिए हो, क्योंकि ओडीआई सीरीज में वो फ्लॉप थे। टीम बात के निकोलस पुरन के आने से टीम की बैटिंग और स्ट्रांग होगी। जेसन होल्डर भी कम बैक करेंगे। टीम के लिए सबसे अच्छी बात है कि किलर ऑलराउंडर एंड्रे रसल टीम के साथ है। अगर लोअर ऑर्डर में देखें तो एक्सपीरियंस बैटर सैफरन अरबोर लास्ट मैच में अच्छा खेला था। टीम की बॉलिंग वीकनेस दिख रही है, में बात करें जहाँ पर ऑलराउंडर की भरमार है, इसलिए स्पेशलिस्ट बॉलर की कमी दिख रही है। अकील होसन टीम के मेन बॉलर है, उन्होंने अभी तक T10 लीग में अच्छा खेला, रोमानी और सफेद विकेट निकाल सकते हैं। मैथ्यू फोर्ड स्पिन डिपार्टमेंट में आवाग बढ़ते हैं चलते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे एंड्रे रसल है, सिमरन हेटमायर है, निकोलस पुरान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंग्लैंड का टीम होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पिछले हार से इस बार पूरी कोशिश करेगी अपना फॉर्म दिखाने के लिए और मैच भी जीतेगी। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।